नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 के कुछ बैक कवर, जिनकी मैं आपके सामने आज अनबॉक्सिंग करूँगा। और दोस्तों आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी F41 है तो आपको कौन से कवर यूज़ करने चाहिए, कौन सा कवर आपके फ़ोन के लिए दोस्तों बेस्ट रहेगा। और दोस्तों जो कवर मैं आपको बता रहा हूँ उनको खरीदने का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी मार्केट से इन्हें खरीदना चाहते हो तो आप इन्हें कितनी प्राइस में ले सकते हो, इसकी दोस्तों क्या बेस्ट प्राइस होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 के कुछ बैक कवर दिखाता हूँ और उनकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F41 जिसके ऊपर लेमिनेशन की हुई है मैंने, जिसे दोस्तों लेमिनेशन मैंने क्यों किस लिए की है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये है सैमसंग का पहला कवर F41 का, जो दोस्तों एक हार्ड प्लास्टिक का है। ये देखिए इसकी क्वालिटी दोस्तों थोड़ी काफ़ी हार्ड सी है, ये रबड़ वाला नहीं है। और दोस्तों ये साइड है, ये दोस्तों रबड़ की होती हैं। तो दोस्तों इस कवर की प्राइस की बात करें, देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा है, डिजाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है। देखिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, देखिए आराम से इस पर लग जाता है ये देखिए। और जो कैमरा दोस्तों, कैमरा भी अंदर रहता है, ये देखिए कैमरा बाहर, कैमरा इसका जो है जो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, अंदर रहता है। तो अगर आप इसे जो रखोगे तो कैमरे पर स्क्रैच नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और जो फ़ोन है आपका ज़्यादा मोटा नहीं लगेगा, जितना दोस्तों इसकी जो हाइट है, जो बेड है दोस्तों उतनी रहेगी। तो दोस्तों इस कवर की प्राइस की बात करें तो अगर आप इसे ऑनलाइन गए तो फ्लिपकार्ट से, तो दोस्तों वहाँ ही आपको मिलेगा समथिंग 150 रुपये के आसपास, 160 रुपये का। और अगर आप इसे अपने मार्केट से खरीदते हो तो दोस्तों ये नॉर्मल सिर्फ आपको 70 से 80 रुपये देखने में मिल जाएगा, यानी दोस्तों 100 रुपये के अंदर ये कवर आपको देखने में मिल जाएगा सिर्फ 80 या 85 रुपये का। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितना मोल भाव कर पाते हो दुकानदार से। अब दोस्तों दूसरा कवर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पहला कवर था। अब दोस्तों ये है दूसरा कवर जिसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, ये देखिए ये मैंने आज ही परचेज किया मार्केट से, ये देखिए। दोस्तों ये है दूसरा कवर सैमसंग गैलेक्सी F41 का, जिसमें दोस्तों जिसकी जो साइड है ये रबड़ की होती है। तो दोस्तों ये जो पार्ट होता है पीछे वाला, ये दोस्तों कड़क प्लास्टिक, जो हार्ड प्लास्टिक का होता है, एकदम कड़क नहीं होता बट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ये देखिए ये दब भी नहीं रहा है। और दोस्तों इसके ऊपर कैमरे के लिए ये प्रोटेक्शन होती है, जिसमें दोस्तों आपको जो फ़ोन है उसका कैमरा एकदम सेफ रहेगा। तो दोस्तों मैं आप इस फ़ोन को इस कवर में लगा कर दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें दोस्तों कैसी लुक आती है फ़ोन की। दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को कवर में लगाएं तो आपको ऊपर से लगाना इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कैमरा होता है वो पहले इसमें लग जाएगा इस तरीके से, फिर आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसके अंदर हमारा फ़ोन हल्का सा मोटा लग रहा है उस कवर के मुताबिक, बट दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका फ़ोन इस कवर के अंदर है और बाई चांस किसी वजह से छूट जाता है, गिर जाता है, तो आपके फ़ोन में दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी कम चांस होते हैं डिस्प्ले के चटकने के। और कैमरे पर दोस्तों बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये देखिए आपका कैमरा एकदम इसके अंदर सेफ है। जो लेंस होते हैं सिर्फ वही ओपन है, बाकी जो पार्ट होता है दोस्तों वो पूरा कवर हो चुका है। और लेंस भी दोस्तों काफ़ी अंदर की तरफ है, ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए। और दोस्तों इनके बटन है वो दोस्तों काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, देखिए देखिए ये देखिए। तो दोस्तों ये जो कवर है इसको हम बोलते हैं स्मोक कवर, काफ़ी अच्छे से दोस्तों इसकी जो कटिंग की गई है एकदम अच्छी तरीके से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी फिटिंग होती है स्मोक कवर की, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस टाइम पर। अगर आप इस कवर को ऑनलाइन खरीदते हो फ्लिपकार्ट से तो दोस्तों ये कवर आपको 160, 170 या 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा ऑनलाइन। बट दोस्तों वहीं अगर आप इस कवर को अपने मार्केट से खरीदते हो, आप चाहे जिस सिटी में भी रहते हो, आपको आसानी से आपके आसपास कहीं भी दुकान में मिल जाएगा ये। तो अगर आप जो इस कवर को वहाँ से खरीदते हो तो ये कवर सिर्फ आपको 100 रुपये का मिल जाएगा, 100 रुपये या 120 रुपये का मिल जाएगा। मैंने इसको सिर्फ 100 रुपये का खरीदा है अपनी मार्केट से ही। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा कवर है, अगर आप इस कवर को लेना चाहते हो
अगर आपको पता नहीं है, अगर मार्केट से लेना चाहते हो आपको पता नहीं है कि आप किस नाम से मांगो, तो आपको इसे बोलना है कि मुझे स्मोक कवर चाहिए। चाहे आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास सैमसंग गलेक्सी F41 ही होना चाहिए, आपके पास कोई सा भी कंपनी का फ़ोन हो, कोई सा भी मॉडल हो, हर कंपनी का हर मॉडल का कवर स्मोक कवर में स्मोक कंपनी का मिल जाता है और सेम जी डिजाइन आती है इस तरीके से, इसमें दोस्तों कैमरा सेफ रहता है। तो दोस्तों जी दो कवर जो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट हैं, क्योंकि फिर तो दोस्तों आप कोई सा ही कवर ले लो, काफ़ी तरीके कवर आते हैं, बट दोस्तों जी कवर हैं ये अलग तरीके होते हैं। इसमें दोस्तों आपका कैमरा सेफ रहता है और ये जो पीछे का बैग होता है काफ़ी हार्ड होता है। और दोस्तों दूसरा जो कवर है ये वाला, इसमें दोस्तों इतना आपका फ़ोन इतना सेफ नहीं होता, बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों यही तो दो कवर थे जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था, जिनको दोस्तों आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों बात करता हूँ मैं आपसे अब इसकी जो जिसकी बात दोस्तों इसकी लेमिनेशन की, तो मैं आपको बताता हूँ इसको दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग गलेक्सी F41 है तो आपको अपने फ़ोन पर ये स्क्रीन प्रोटेक्शन ज़रूर लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि दोस्तों आप कितना भी कवर यूज कर लो, अगर आप अपने फ़ोन पर ये स्क्रीन नहीं लगाओगे, ये लेमिनेशन नहीं करवाओगे, तो दोस्तों आपको जो बैक है, जो बैक होता है, इस पर स्क्रैच आने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा एक कवर होता है उसके अंदर दोस्तों हम जब फोन यूज करते हैं तो हल्का हल्का करके उसमें डस्ट चली जाती है, यानी मिट्टी चली जाती है, तो दोस्तों उसकी वजह से हमारे जो बैग होता है उस पर स्क्रैच आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो बैग है ये प्लास्टिक का होता है, तो अगर आप इस पर स्क्रीन जी लगा के रखते हो तो दोस्तों आपका जो बैग है उस पर स्क्रैच नहीं आएंगे, तो इससे आपका जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।